बिहार में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से राजधानी पटना के करीब 80% घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक दफ्तरों, मंत्रियों, नेताओं के घरों में पानी भरा हुआ है। पटना में सड़कों पर नाव चलने लगी है और बचाव कर्मी नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। हजारों लोग अपने घरों के भीतर ही पानी में फंस गए हैं। कई इलाकों की बिजली गुल है। कई जगहों पर पीने के पानी और खाने की भी भारी कमी हो रही है। स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन और आपदा विभाग ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। NDRF और SDRF की टुकड़ियां भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। रविवार को राजधानी पटना, भागलपुर समेत बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 17 लोगों की जान चली गई। गुरुवार से अब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 63 और बिहार में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के 22 जिलों में बाढ़ का खतरा है। भारी बारिश के कारण बिहार में रेल यातायात और उड़ान सेवाएं भी बुरी तरह बाधित हुई हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने रेल ट्रैक पर पानी जमा हो जाने के कारण पैसेंजर और एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। एक उड़ान भी रद्द की गई है, जबकि 2 उड़ानों के रूट डायवर्ट करने पड़े हैं। पटना के DM कुमार रवि ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग और परीक्षाओं को बंद रखने को कहा है। DM का कहना है कि बारिश रुकेगी तो राहत और बचाव कार्यों में गति आ सकेगी और जान माल को नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। जिन इलाकों में पानी ज्यादा भर गया है वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।